नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक रेडमी का मोबाइल है MI नोट 5 और इसमें हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इसकी चार्जिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना सिम ट्रे रिमूव कर लेना है, ये हमने रिमूव कर रखा है। सिम ट्रे रिमूव करने के बाद में आपको अपना ये बैक पैनल ओपन करना है, तो आपको यहाँ से फिंगर आपको नेल्स इसके अंदर एंटर करना है और ये आपको बैक पैनल को बिल्कुल से अनलॉक कर लेना है इस प्रकार से। ये देखिए, ये चारों ओर से हमें अनलॉक कर लेना है और अनलॉक करने के बाद में आपको ये बैक पैनल बिल्कुल रिमूव करना है और यहाँ पर देखिए हमारा ये फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, टूजर की मदद से हमें इसको रिमूव करना है। ये देखिए, ये हमने बैक पैनल ओपन कर लिया और ये हम साइड में रख लेते हैं और ये देखिए हमारा रेडमी नोट 5 है और बिल्कुल BN35 इसमें बैटरी है सारा का सारा। अब हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो देखिए हमें ये नीचे से पोर्शन बॉटम सेक्शन का पोर्शन ओपन करना होगा और ये देखिए फ़ोन हमारा बिल्कुल अभी खुला नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सील है, तो हम इसकी सील को हटाते हैं यहाँ से ताकि हमारा वारंटी वॉइड नहीं हो और हम इसकी सील को यहाँ से हटा कर यहाँ पर लगा देते हैं और हम इसको ओपन करेंगे बॉटम सेक्शन से। इसके लिए हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैग्नेट का इस्तेमाल दोस्तों हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू खोलें वो मैग्नेट के लगा सकें ताकि हमारा कोई भी स्क्रू मिस ना हो। हमें वन बाय वन करके सारे स्क्रू ओपन करने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें ये रिंगर असेंबली खोल लेनी है और ये हमने सारे के सारे स्क्रू ओपन कर लिए। हमें टूजर की मदद से ये रिंगर असेंबली ओपन करनी है बहुत ही केयरफुली तरीके से और ये देखिए हमें इस प्रकार से ये रिंगर असेंबली हमने ओपन कर ली है। हम इसको साइड में रख देते हैं और उसके बाद हमें ये स्ट्रिप को निकालना है। हम स्ट्रिप निकालते हैं, ये एंटीना वायर हमें निकालना है और ये हमें ये हमारा चार्जिंग जैक हमें बाहर निकाल लेना है। ये देख पा रहे हैं आप, चार्जिंग जैक हमारा बिल्कुल से डिफेक्टिव है, डैमेज हो रहा है। हम इसमें नया ये चार्जिंग जैक लगाएंगे। ये देखिए कुछ लिक्विड डैमेज है जिसकी वजह से हमारा ये रैपर रेड हो रहा है। इसको मदरबोर्ड को हम साइड में रख देते हैं और इसको हम बिल्कुल से SMD की सहायता से रिमूव करेंगे। ये देखिए, तो हम इसको SMD का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। हम माइक को थोड़ा सा बचाते हुए हम SMD की सहायता से हमारे चार्जिंग जैक को रिमूव करेंगे। ये देखिए, माइक को हम बिल्कुल सेफ रखेंगे इस प्रकार से और ये SMD से हम इसको बिल्कुल से रिमूव करेंगे। ये जैक हमें डिफेक्टिव जैक निकाल लेना है इसका। ये देखिए, ग्रिम करके हमें इसको गर्म करके और यहाँ से बहुत ही केयरफुली इस प्रकार से रिमूव कर लेना है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा डिफेक्टिव जैक हमने निकाल लिया है और बिल्कुल से ये हमारे सारे के सारे प्रिंट बिल्कुल सेफ हैं और अब हम इसमें नया जैक लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम ये नया जैक लेंगे और हम बिल्कुल से इसको ठीक वही प्रोसेस अपनाएंगे माइक को हम बचाते हुए, ताकि माइक पर कोई भी हीट हमारी नहीं लगे और माइक को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और ये हमें बिल्कुल SMD की सहायता से हमें लगाना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको आयरन की सहायता से भी लगा सकते हैं, SMD की सहायता से भी लगा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो वो आप लग सकते हैं और वो आप इसमें विकल्प आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर SMD का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा नया जैक है और ये हमारा डिफेक्टिव जैक है। देखिए, आपका रैपर लगा हुआ है
और बिल्कुल लिक्विड डैमेज है। और हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हीट करेंगे और ये इस प्रकार से हमें हीट करने के बाद में ये हमें एक साइड से इंसर्ट कर देना है। इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड से भी इसको इंसर्ट कर देना है। ये देखिए हमें बोथ साइड से इस प्रकार से इसको इंसर्ट कर देना है और हमें ट्वीज़र से थोड़ा सा प्रेस करके रखना है ताकि हमारा ये इसके अंदर होल के अंदर एंटर हो सके। और हम देखते हैं, आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल से एंटर हो चुका है और बिल्कुल से होल के अंदर जा चुका है और प्रॉपर वे में हमारा ये लग चुका है। और अगर हम बात करें इसकी प्रिंट्स की तो प्रिंट्स हम सॉल्व करेंगे। ये हम इसको अलग कर देते हैं, सीधा कर लेते हैं हम थोड़ा। ये हमारा डिफेक्टिव जैक है, ये हमारा ओके जैक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके मजबूत करने होंगे पॉइंट्स को ताकि हमारी किसी प्रकार की कोई भी लूजिंग नहीं रहे और हमारा जैक है लंबे समय अवधि तक वर्क करे। और ये यहाँ पर भी हम इस प्रकार से करेंगे, इसको बिल्कुल से सोल्ड करेंगे ताकि मजबूती हमारी बनी रहे और हमारा जो जैक है लंबे समय अवधि तक काम करे। ये देखिए हमने ये मजबूती बनाई है इसकी और अब हमें इसके प्रिंट्स को सोल्ड करना है। यहाँ पर हमें सोल्ड करने होंगे, पेस्ट का हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्डर वायर का यूज़ करते हुए हम वन बाय वन सारे के सारे प्रिंट्स को सोल्ड करेंगे ताकि हमारी जो प्रिंट्स हैं मजबूत बने रहें और हमारी चार्जिंग डैमेज ना हो। ये देखिए इस प्रकार से आपको वन बाय वन करके सारे के सारे प्रिंट्स को रीसोल्ड कर लेना है। कोई भी प्रिंट आपका ओपन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये देखिए हमने सारे के सारे प्रिंट सोल्ड कर दिए। ये हमारा डिफेक्टिव जैक है, इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम हमारा मोबाइल में लगाते हैं। ये हमने बिल्कुल से यहाँ पर लगाया, इसको हमने स्ट्रिप को लगाया। एंटीना वायर हमें लगाना होगा दोस्तों, एंटीना वायर अगर हम नहीं लगाएंगे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारी रहती है, तो हमें एंटीना वायर ज़रूर लगाना है। एंटीना वायर लगाने के बाद में हम हमारी रिंगर असेंबली इसमें लगाते हैं। ये रिंगर असेंबली हमने इसमें लगा दी है। स्क्रू हमें इसके सारे के सारे जो हमने ओपन किए थे वो हमें लगा देने हैं वन बाय वन करके। ये देखिए हम स्क्रू इसके लगा देते हैं सारे के सारे। ये हमने सारे के सारे स्क्रू लगा दिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। और अब हम इसमें हमारा बैक पैनल लेंगे और यहाँ पर हमारी ये जो फिंगरप्रिंट्स वाला सेंसर है हम इसको बिल्कुल से प्रॉपर वे में लगाएंगे। ये हमें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लगाना है। ये हमने देखिए लगा दिया, अब हमें इसको पैक कर लेना है। ये हमने इसको पैक कर लिया और अब हम इसमें चार्जर लगा के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों अब हम इसमें चार्जर लगाते हैं। ये हमने चार्जर लिया और हमने इसमें चार्जर इंसर्ट किया और आप देख पा रहे हैं MI हमारा लिखा हुआ आ रहा है।
और यहाँ पर हमारी देखिए ये चार्जिंग दिखा रहा है, 3% है हमारी डिस है बैटरी। हम इसको स्विच ऑन करके चेक कर लेते हैं। हमने इसको स्विच ऑन कर दिया, MI लिखा हुआ रहा है, ये देखिए हमारा ऑन हो गया है और हम इसको अनलॉक करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए हमारा ऑन हो गया, हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस बिल्कुल हमारी लो है, इसमें डिम है, हम ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए हमने ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी है, आप देख पा रहे हैं ये हमारा चार्जिंग चल रहा है, 4% हमारा हो चुका है। ये हमने चार्जर को रिमूव किया, ये हमारा बैटरी लो, और ये हमने इसमें चार्जर इंसर्ट किया, और यहाँ पर देखिए ये हमारा चार्जिंग यहाँ पर लग गया है, यहाँ पर हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम आपको मॉडल चेक करा देते हैं कौन सा मॉडल है। हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, अबाउट फ़ोन में जाते हैं, और आप देख पा रहे हैं हमारा मॉडल है Redmi 5। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे Redmi 5 मोबाइल का चार्जिंग प्रॉब्लम को दूर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।